और मेरा दिल जो है ना वो टूट गया और मैं काफ़ी जो है ना वो डीमोटिवेशन हो गया, डिसहार्ड हो गया कि मैंने कहा जाना बस अब नहीं और नहीं, मैं छोड़ ही देता हूँ यूट्यूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। तो शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पौधों को गोड्डी करनी थी, गोड्डी तकरीबन कर ली गई है, कल ही जना वो भाई ने कर दी थी। ये देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन हो गया काम। और इधर अंगूर इनको भी हो गई है, अंगूरों की वल्लें जो है ना ये सही ग्रोथ नहीं कर रही और वैसी की वैसी हैं। मुझे तो लगता है ये अंगूर अच्छे नहीं हैं, इसी वजह से जो है ना ये रुके हुए हैं। माशाल्लाह गुलाब ने भी काफ़ी फूल निकाल लिए हैं। ये हमारे बछड़े को ज़ख़म हो चुका है, यहाँ पे ये देखें जी रस्सा इसको लग गया, ये नज़र आ रहा है। और ये पहले से थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। और मेरी मुर्गियाँ माशाल्लाह बड़ी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं ये भी। अब इस बछड़े का देखते हैं ट्रीटमेंट क्या करना है। भैंसों के लिए जाना चारा पहले हम घर में मशीन लगाई हुई थी वहाँ पे कुदराई करते थे, अब यहाँ पे सेटअप कर दी है। और ये छत पहले नहीं थी, अब ये छत भी बन चुकी है, ये देखें जी। अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और सर्दी बढ़ती जा रही है, और मुर्गियों के लिए अब इनका घर वो बनाना है। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक एक तो दिन में जाना हुआ मैं बनाऊंगा। ये देखो जी मूली, मूली अभी छोटी है, अभी तैयार नहीं हुई, ये तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर खाने के काबिल हो जाएगी। ये देखिए सामने भी ये सारे जो है ना मूली हमने लगाई हुई थी बरसेम के अंदर। अभी जो है ना वो मौसम आ गया है गंदम की बुझाई का, तो गंदम जो है ना हमने यहाँ पर बीजनी है, हल जो है ना चला दिया गया था। अब यहाँ पर ये घास ये काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसको हम जना इकट्ठा करेंगे। और इसको हम जो है ना इसलिए साफ कर रहे हैं इस ज़मीन को ताकि गंदम जो है ना वो अच्छी तरह से उग सके। इस काम में घर वाले भी मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि अकेले बंदे का ये काम नहीं है। तो जी दोस्तों मैंने जो है ना वो 3-4 वीडियोस ऐसी बनाई और उन वीडियोस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ही अच्छे जो है ना वो मैंने अपनी ही तरफ से दिल से जो है ना वो थंबनेल बनाए थे और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी। तो दिल करता है कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, तो बाद में जो है ना वो मुझे दोस्तों ने समझाया कि आप ऐसा ना करें। तो हुआ मेरे साथ ये कि मैं एडिटिंग वीडियो एडिटिंग के लिए जो है ना VN यूज़ करता था, उसमें कुछ इशू आ रहा था, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद जो है ना मैंने इन शॉर्ट वो यूज़ करना शुरू कर दिया। मैं क्या करता था VN पे एडिटिंग करके और वीडियो में जो है ना वो चैनल का नेम जो है ना वो जो टाइटल होता है चैनल का होता है ना वो नाम वीडियो के साथ साथ वो आना चाहिए, वो मैं लिखने के लिए VN पे एडिटिंग करके इन शॉर्ट पे जाके वो जस्ट वो नाम लिखने के लिए जो है ना मैं उधर चला जाता था और वहाँ पे जो है ना उसको सेव करके तो अपलोड करता था। हुआ ये कि मुझे नहीं पता था इस बात का, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि आपकी वीडियो जो है ना वो कुछ सेकंड चलती है सबसे पहले और उसके बाद वहीं पर रुक जाती है और आगे नंबरिंग जो है ना वीडियो चलती रहती है और वीडियो जो है ना वो 30 सेकंड या 40 सेकंड के लिए रुक जाती है। तो मैंने सोचा यार ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ, मुझसे क्या मिस्टेक हुई, मुझे लगा कि जनाब को वीडियो अपलोड करने में इशू है। फिर बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं
वीडियो अपलोड करने में इशू नहीं है, वीडियो एडिटिंग करने में इशू आया। ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद है कि मेरी तरह कोई बेवकूफ़ी ना कर बैठे, मेरी 4 से 5 वीडियो जो है ना वो इसी तरह ख़राब होगी और मेरा दिल जो है ना वो टूट गया और मैं काफ़ी जो है ना वो डीमोटिवेशन हो गया, डिसहार्ड हो गया कि मैंने कहा जाना बस अब नहीं और नहीं, मैं छोड़ ही देता। उसके बाद हुआ ये कि मैं सुबह जब उठा ना तो मैंने वही वीडियो जिनमें कोई मसला चल रहा है वो मैंने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह उन पर सही व्यूज़ आ रहे हैं, डेली के सही व्यूज़ आ रहे हैं और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग प्यार देते हैं और वो मेरी थोड़ी सी ख़राब वीडियो भी जो है ना वॉच कर रहे हैं, आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और इसी वजह से जो है ना दोबारा मुझ में जो है ना एनर्जी पैदा हुई और मैं आज जो है ना आप दोस्तों के लिए एक व्लॉग बना रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।